यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक, एक ऐसा शो जो आपकी आवाज को करता है बुलंद। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के आईएएस अफसरों की, क्योंकि हरियाणा सरकार के एक बड़े फैसले ने खलबली मचा दी है आईएएस अधिकारियों में, क्योंकि उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। जी हां, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और मनोहर लाल सरकार ने आईएएस अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को 15 जून तक का वक्त भी दिया है और साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर सैलरी रोक दी जाएगी। और वहीं हमारा सवाल भी यही है कि क्या इस तरह से आईएएस अधिकारियों की ही सैलरी का या संपत्ति का ब्यौरा मांगना सही है। हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आईएएस अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है तो अब उनके ऊपर दबाव है कि वो जल्द से जल्द अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार के समक्ष पेश कर सके। 15 जून तक का जो है समय दिया गया है संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए, और अगर ब्यौरा नहीं दिया गया तो वेतन रोक दिया जाएगा। ये चेतावनी सरकार के द्वारा दी गई है। अब सवाल कहीं है हमारे सामने, वो सवाल भी आपको बता देते हैं जिससे कि आप अपनी राय हम तक पहुंचा सके और सरकार के कानों तक भी वो बातें आप पहुंचा सके हमारे माध्यम से, ताकि सरकार को ये मालूम हो जाए कि जनता क्या इस मुद्दे पर राय रख रही है। अब इसी मसले पर कई सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल आपके सामने हम रखते हैं। क्या हर सरकारी कर्मचारी से नहीं लेना चाहिए संपत्ति का ब्यौरा? ये सवाल सबसे बड़ा है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला जरूर ये माना जा रहा है, आईएएस अधिकारियों से मांगा गया है संपत्ति का ब्यौरा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें जो सवालों में आता है कि 15 जून तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना, क्या ये समय सीमा सही है सरकार के द्वारा जो दी गई है? और अगर नहीं दिया गया ब्यौरा संपत्ति का तो वेतन रोक दिया जाएगा, ये कड़ा फैसला है। और ये भी सवाल बड़ा कि हर सरकारी कर्मचारी से क्यों नहीं लेना चाहिए संपत्ति का ब्यौरा, ये भी सरकार को कह देना चाहिए क्या? ये भी बड़ा सवाल है, हर साल कर्मचारियों से लेना नहीं चाहिए संपत्ति का ब्यौरा। जसबीर मलिक पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से। जसबीर जी, क्या राय है आपकी इस मसले पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जो सरकार ने अभी ये फैसला किया है संपत्ति की जो जानकारी मांगी है अधिकारियों से, जी अधिकारियों के साथ साथ जितने एमपी और एमएलए हैं उनसे भी सरकार अगर ये मांग तो बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा प्रभाव जाता, क्योंकि जब ऊपर से भ्रष्टाचार को नकेल चलेगी तभी जाकर के जो है ना शासन से भ्रष्टाचार निकल सकता है। नहीं तो भ्रष्टाचार, अगर सरकार को ये वहम हो कि भ्रष्टाचार हमारे राज्य में कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, बढ़ा है, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ जितने हमारे एमपी और एमएलए हैं उनको भी बिल्कुल ये सवाल हमने भी उठाया है। सवालों में आप देख भी सकते हैं, एक अच्छी बात आपने कही है कि एमपी और जो एमएलए हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी सरकार को मांगना चाहिए। रणधीर सिंह जुड़ चुके हैं पानीपत से, दर्शक फोनलाइन पर मौजूद है। रणधीर सिंह जी, क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले पर आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ जी, मैं चाहता हूँ हर कर्मचारी का ब्यौरा लेना चाहिए जी, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई आईपीएस हो, चाहे कोई डीएसपी हो, चाहे एचसीएस हो जी। और साथ में जो ये मोटे मोटे मंत्री बैठे ना टीवी पे दिख रहे हैं जी जी जी, इनका संपत्ति का ब्यौरा सबसे पहले लेना चाहिए। ये बड़े लंबे लंबे जेब के कमीज पहनते हैं जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप एक खुद सरकारी कर्मचारी है और आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो तमाम विधायक हैं या फिर सांसद है उनके संपत्ति का ब्यौरा भी सरकार को लेना चाहिए। प्रकाश जुड़ चुके हैं सोनीपत से, एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। प्रकाश जी, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? सर, ये इम्प्लाइज से तो ठीक है इनका ब्यौरा मांग रहे हैं, परंतु इनकी इतनी हिम्मत नहीं है अपने एमएलए या एमपी से मांगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो वहां हो रहा है जी। एक एक एमएलए का जिसका पास पहले डंसर से खाने के लिए वो नहीं होता था, मकान नहीं होता था, अरे एक बार 5 साल एमएलए बनने के बाद उसके पास पता नहीं करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति हो जाती है,
उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा जाता। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो राजनीति में है, और अगर सरकार में हिम्मत है तो राजनीति लोगों के तरफ, यानी जनता चैलेंज कर रही है सरकार को कि अगर सरकार चाहे तो जो एमएलए एमपी है उनके संपत्ति का ब्यौरा मांग कर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकती है। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। दिनेश मध्य प्रदेश से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश जी अपनी राय रख सकते हैं आप। थैंक यू सर जी। ये बात सही है कि सरकार की जो है इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए जी। संपत्ति का ब्यौरा ये मुद्दा बहुत समय से चला आ रहा है और कई सरकारें और अधिकारी सीएम उठाते हैं और मांगते हैं, लेकिन हमेशा इस पर सब गोलमाल हो जाता है। आईएसओ का ही नहीं, सारे कर्मचारियों, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक और खासकर बड़े नेताओं को संपत्ति का ब्यौरा देना ही चाहिए। और ये कारण ये होता है कि बड़ी भ्रष्टाचार की जो कमाई होती है तमाम तरीकों से उसको अन्य अन्य जगहों पर डाइवर्ट करके यहाँ तक कि विदेशों और अन्य जगहों पर लगाया जाता है। उसके रिश्तेदार, उसके आपसी सबकी, इनकी प्रतिवर्ष वो जो है बाकायदा जो है इनकम शो करने का, सार्वजनिक करने का नियम होना चाहिए। सभी देश में सुधार आ सकता है। हम ये मानते हैं कि जैसे कोई भी ये नेता होते हैं, जैसे खट्टर साहब ने अगर ये बात की है, मध्यप्रदेश में भी उठी, पहले ये केंद्र में भी उठी, लेकिन आयकर और सारे ब्यूरोक्रेट्स इसको देने में मना करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स ही जिम्मेदार नहीं है। मैं तो कहता हूँ नेताओं को और आम लोगों को जो भ्रष्टाचार होता है, ब्यूरोक्रेट्स तो बेचारे कमा के देते हैं और मजबूर हैं कि एक बार आईएएस आईपीएस बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तमाम आईएएस आईपीएस आपने देखा हो सुसाइड भी कर चुके हैं। अगर कोई ईमानदारी से जीना चाहता है तो बड़ा मुश्किल हो गया हिंदुस्तान। आपने एक अच्छी बात कही कि हर किसी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। अगर सरकार वाकई में चाहती है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके तो एमएलए एमपी से लेकर हर सरकारी कर्मचारी से संपत्ति का ब्यौरा मांगना चाहिए। मोहन सिंह जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मोहन जी क्या राय है आपकी? मोहन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो अपनी अपनी राय आप रखिए। चलिए कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की। आपका संपर्क हमसे टूट चुका है, लेकिन आप भी ये प्रयास कीजिए कि हम तक पहुंच सके आपकी राय, क्योंकि हम तक पहुंचती है राय तो सीधे ये जाती है सरकार के कानों तक। हरदीप सिंह ग्वालियर से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। हरदीप जी अपनी राय रखिए। अरे सर जी मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो भ्रष्टाचार का इन्होंने मुद्दा उठाया है जी, सबकी संपत्ति का जी, अगर ये संपत्ति का ब्यौरा सही नहीं देती है तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जी? हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये संपत्ति का ब्यौरा सही नहीं देते हैं जी तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जी? यानी कि आप मापदंड पूछ रहे हैं कि आखिर क्या होंगे, ये सरकार ही बता सकती है, क्योंकि 15 जून के बाद ये देखना होगा हरदीप जी कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है अगर संपत्ति का ब्यौरा सही ढंग से नहीं दिया जाता। अभी क्या है कि अभी इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन मंत्रियों का, एमएलओं का, इनका भी तो साथ में लेना चाहिए ब्यौरा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही चलता है जी। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। किशोर कुमार फरदाबाद से एक दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर। किशोर जी अपनी बात रखिए आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए ये जो सिलसिला है ये तो चलता रहेगा, भ्रष्टाचार कहीं रुक नहीं सकता। हमारे जितने नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनका अपने स्टाफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं, ये डरते हैं जी। जब ये खुद ही डरते हैं तो भ्रष्टाचार और अधिकारी क्यों नहीं करेंगे जी? मेन भ्रष्टाचार की वजह यही है, जो हमारे मंत्रीगण है अपने अधिकारियों से डरते हैं, हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनके कार्यों पर कोई भी जांच पड़ताल देखभाल नहीं करते, अपना कार्य ठीक से करा नहीं करा कोई चिंता नहीं, भ्रष्टाचार का मेन कारण यही है जी, बस और कुछ। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। प्रदीप जी हैं पानीपत से दर्शक एक हमारे साथ फोनलाइन पर। प्रदीप जी आपकी राय क्या है इस पूरे मसले को लेकर? हेलो सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ये सरकार बिल्कुल दिशाहीन है, इनको ये नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। ये कभी कुछ फैसले करती है कभी कुछ फैसले करती है, कल ही परसों खिलाड़ियों के लिए देख लीजिए आप, कभी कुछ कभी कुछ। इनको तो मतलब इतना भी नहीं पता, एक साल का ऐसे निकालना, कभी बोलती है 3 महीने में 50,000 भर्तियां करते हैं, कभी बोलती है कि आप इस फैसले का स्वागत करते हैं कि नहीं, क्योंकि वैसे तो स्वागत करते हैं अगर इसको सीधे चढ़ा दिया जाए तो, लेकिन ये पता है मेरे को ये बिल्कुल कभी गाय को कभी गीता को ये कुछ भी नहीं करेगी सरकार। यानी आपको सरकार से कम उम्मीदें हैं। शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल ये उठाया जा रहा है जो जनता हमारे साथ जुड़ रही है कि सभी से मांगिए आप संपत्ति का ब्यौरा। प्रवीण चौहान गांधीनगर से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। प्रवीण जी अपनी राय रखिए।
हाँ जी, जो ऑफिसर है वो अपना ब्यौरा तो दे देते हैं वो इनकम का, लेकिन उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, जैसे पब्लिक को मालूम पड़े कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और ये सवाल हम भी उठा रहे हैं कि सरकार को क्या सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए संपत्ति का ब्यौरा जो मांगा जा रहा है अधिकारियों से। हम तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं, हमारा सवाल ये भी है कि क्यों एमएलए एमपी की भी संपत्ति का ब्यौरा आप नहीं मांगते। आप ये भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जब चुनाव लड़ने की तैयारी होती है, हलफनामा दायर किया जाता है चुनाव आयोग में, तो संपत्ति जो है वो जो होती है बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही 5 साल गुजरते हैं तो बेतहाशा वृद्धि होती है, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, वो देखने को मिलता है ज्यादातर। हर किसी को हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखने को मिल जाता है। एडीआर की रिपोर्ट सामने आती है तब इसका खुलासा भी हो जाता है, सबको मालूम हो जाता है कि किस तरह से अकूत संपत्ति बनाई है नेताओं ने। सतीश कटारिया करनाल से दर्शक फोन लाइन पर है। सतीश जी अपनी राय रखिए। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं सर खुद कर्मचारी हूँ एक जी, और मैं इस बात से सरकार से खुश हूं कि वो कुछ अच्छा कदम उठा रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि हर एमएलए एमपी उनका भी हर साल उनका भी ब्यौरा लिया जाए और उनके रिलेटिव का भी ब्यौरा लिया जाए, क्योंकि क्या करते हैं ये एमएलए एमपी अपने तो प्रॉपर्टी लेते नहीं, दूसरों के नाम लेते हैं अपने रिश्तेदारों के और उसके जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सबका ब्यौरा हो और जो भी इसमें घपला मिलता है या कोई धोखाबाजी होती है तो उसको पूरी तरह से बिल्कुल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी मिलती है संपत्ति का ब्यौरा सबसे मांगा जाना चाहिए। यही हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनकी सबकी एक स्वर में ही मांग है। नरेंद्र कुमार एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। नरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहूंगा आईएएस अधिकारियों के साथ साथ में जितने भी कर्मचारी हैं इंक्लूड में एचसीएस जेई एसडीओ तहसीलदार इनका भी ब्यौरा होना चाहिए, ताकि समाज के अंदर एक स्वच्छता आए और सबको ये महसूस हो कि भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल पारदर्शिता का एक जो दावा करने वाली सरकार है मनोहर सरकार, अगर वो ऐसा फैसला लेती है जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि सभी को संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, तब जाकर असल में पारदर्शिता देखने को मिलेगी। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। मोहन सिंह रिटायर्ड मास्टर हैं, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं फोन पर, कुरुक्षेत्र से हैं। मोहन जी अपनी बातें रखिए। मोहन सिंह हूं जी मेरा नाम। जी अपनी राय रखिए। मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ये विचार ले रहे हो ना जी, क्या ये वास्तव में सरकार अप्लाई करती है कभी या सिर्फ नौटंकियां करती हैं? नहीं आपको क्या लगता है? हम ऐसा आप अपनी राय रखिए। नौटंकियां करती है, मैं कह रहा हूँ नौटंकियां करती है सरकारें सारी, क्योंकि ना तो आज तक किसी का ब्यौरा लिया इन्होंने। हमारे पास आज से 10 साल पहले लेटर आने शुरू किए थे, हमने लिखना शुरू किया, लेकिन जो है ना वो बीच में कर्मचारी सारे रोक देते हैं जी। क्यों? क्योंकि जो करप्ट है वो करप्ट। यानी आप क्या कह रहे हैं कि फैसला दिखावा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल दिखावा है जी। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, अपनी राय रखिए आप। हेलो सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले एमएलए एमपी को अपना ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए और राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए जी, और जब ये भ्रष्टाचार रुके उससे नीचे फिर अधिकारियों का फिर सभी कर्मचारी आहिस्ता आहिस्ता नीचे से पहले ऊपर से सार्वजनिक करना चाहिए जी। जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। यानी कि आप कहते नजर आते हैं कि जो विधायक हैं एमपी हैं जो आपके प्रतिनिधि हैं आपने जिनको वोट दिया है पहले उनकी संपत्ति का खुलासा होना चाहिए सार्वजनिक तौर पर, फिर कर्मचारियों का आईएएस अधिकारियों का सबका संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए। सभी चाहते हैं कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। रणधीर जी हैं पानीपत से, दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। रणधीर जी अपनी राय आप रख सकते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है जी जी। हेलो जी जी। हाँ भ्रष्टाचार बढ़िया हुआ है, गुप्त रूप से देते हैं उनमें तहसीलदार अपने सिस्टम रखे हैं सारे जी, तहसीलदार है डिप्टी कमिश्नर है ठेकेदार है अपने कार्ड बना यही वगैरह है, भ्रष्टाचार बढ़िया हुआ लेते हैं खट्टर साहब लेते हैं जी। बिल्कुल देखना यही होगा कि 15 जून को जिस तरह से मांगा गया है संपत्ति का ब्यौरा वो किस तरह से जो मापदंड होगा या किस तरह से संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा, क्या सही तरीके से आईएएस अधिकारियों के द्वारा ये संपत्ति का ब्यौरा दिया जाएगा, तमाम तरह के पहलू हैं इस फैसले को लेकर।
वीरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं जींस, एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र जी अपनी राय रखिए। हाँ नमस्कार सर जी, नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा, देखो मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा फैसला है ये, और ऐसे पिछले कितने मुख्यमंत्री और किन्होंने किसी भी सत्र की जांच नहीं करवाई, और ये मैं यही कहूंगा पिछले मुख्यमंत्रियों की, अब इसके बाद एचसीएस अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, ऐसे ही कार्यवाही चलती रहेगी। कई लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ये भी मुख्यमंत्री का दिल देखो कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। पिछले मुख्यमंत्रियों ने किसी की बंगले तक की जांच नहीं करवाई, आज जांच करवाने के लिए बहुत अच्छा कदम है। मैं कहूंगा इसके बाद एचसीएस और जेई सत्र के अधिकारियों की जांच होनी। बिल्कुल, आपकी जो राय है वो सरकार तक पहुंच पाएगी जरूर हमारे माध्यम से। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपका यही कहना है कि एचसीएस अधिकारियों की भी संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाना चाहिए, और सभी से क्यों ना मांगा जाए ये भी सरकार को अब फैसला ले ही लेना चाहिए। सुरेंद्र जुड़ चुके हैं, एक दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। सुरेंद्र जी अपनी राय आप रख सकते हैं। चलिए संपर्क टूट चुका है, आप लगातार कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ही स्वर में सभी दर्शक ये कहते नजर आते हैं कि हम सहमत हैं इस फैसले से, लेकिन सरकार ये भी कदम उठाने की कोशिश तो करे कि सभी जो कर्मचारी हैं सरकारी या जो जनता के नुमाइंदे हैं उनसे भी आप संपत्ति का ब्यौरा मांगिए। कुलदीप जी इनसे एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। कुलदीप जी अपनी राय रखिए। सर हम तो ये कह रहे हैं सर, ये बहुत अच्छा फैसला सरकार का। जी जी कुलदीप जी। यस सर, अच्छा ब्यौरा अच्छी है सर, जिससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा सर, हमारे लिए फायदा है। हम तो ऐसे कह रहे हैं सर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सबके लिए ये फैसला होना चाहिए सर। जी और सर सबके लिए फायदा है, क्योंकि सर आज के टाइम में। जी जी बताइए सर। क्योंकि आज के टाइम किसान है, किसान बहुत नीचे रह रहा सर, उसके भी उसकी उसका भी होना चाहिए सर फैसला। जी बिल्कुल, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपकी चिंता सभी वर्गों से है, सरकार भी सोचती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है वो काफी हद तक फैला हुआ है। और कहा यह जाता है जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह के फैसले अगर लिए जाए, संपत्ति का ब्यौरा सख्ती से लिया जाए, जी हां सख्ती से और कड़ी कार्रवाई की जाए, तब जाकर ही भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। क्या मंत्री, क्या विधायक और क्या एमपी, सभी से संपत्ति का ब्यौरा ले, तब जाकर यह मालूम होगा, सार्वजनिक किया जाए बकायदा, यह भी सवाल हम उठा रहे हैं। आपकी राय क्या है यह आप बता सकते हैं। अनिल करनाल से एक दर्शक मौजूद है फोनलाइन पर। अनिल जी अपनी राय रखिए। हाँ मेरी जो है राय है कि जैसे ये मुख्यमंत्री जी ने, हेलो जी जी सुन पा रहे हैं आपको, अपनी राय रखिए। जैसे मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया आईएएस अधिकारियों का ब्यौरा जानने के लिए प्रॉपर्टी का, और ऐसे ही जो है एमपी और जो है ना एमएलए का भी जाने, और खास तौर पे जो है ना ये कंप्यूटर टीचर्स के लिए ध्यान दे, उनके लिए जो है ना ये बेचारे लाठिया खा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, चाहे 10,000 सैलरी के वो भी इनको टाइम पर नहीं मिलती। मुख्यमंत्री से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये कंप्यूटर टीचर्स का जो है खास ध्यान दे, और ये क्योंकि इनको अधिकारी जो है गलत करवा रहे हैं इनसे अधिकारी, लेकिन ये आप खुद फैसला लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इनका प्रोग्राम। बिल्कुल, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। राजेश मित्तल हिसार से दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर, अपनी राय रखिए। सर ये जो कार्रवाई करते हैं ये 10-15 दिन तो उठाते हैं, उसके बाद ये फिर उल्टे बंद कर देते हैं जी, ये परमानेंट करनी चाहिए ना कार्रवाई। जी आप चाहते हैं कि ये जो कोशिश है सरकार की वो सभी के सामने होनी चाहिए, और समय दर समय ऐसे फैसले लेनी चाहिए और उस पर समीक्षा भी करनी चाहिए। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। राजकुमार अंबाला से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। राजकुमार जी अपनी राय रखिए। नमस्कार जी, मैं जी नमस्कार बोल रहा हूँ सर। जी जी नमस्कार। ये सर फैसला सर जनता को गुमराह करने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसे फैसले लेती रहती है बीच बीच में, ताकि जनता को किसी तरह बेवकूफ बनाया जाए। ये पहले तो आईएएस अफसरों को जिन्हें ब्यौरा मांग लिया, उससे पहले मुख्यमंत्री मंत्री ने एमएलए ने अपने क्यों नहीं अपना नोटिफिकेशन जारी किया कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। जब आप विधायक बने, जब आपके पास क्या संपत्ति थी, आप 4 साल में आपकी क्या संपत्ति है, ये बार बार ऐसे फैसले लेते रहते हैं ताकि जनता का ध्यान भटके, मुद्दों से ध्यान बांटते हैं ये लोगों का, काम कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा बिल्कुल फैल हो चुका है और बिल्कुल इनकी क्लियर है, बिल्कुल अभी 1% एक सीट भी नहीं किया गया हरियाणा में। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपकी ये राय है कि सरकार को ये भी फैसला लेना चाहिए कि जो उनके खुद के मंत्री हैं
चार साल में उनकी संपत्ति में क्या इजाफा हुआ है या फिर उतनी संपत्ति है या घटी है, जो भी है उसका ब्यौरा भी जनता के सामने रखना चाहिए सार्वजनिक तौर पर बाकायदा। ये जो ब्यौरा है, जानकारी है और तमाम तरह के जो सवाल हैं जो जनता भी कह रही है सरकार को, वो सुनना भी चाहिए कि अगर आप पारदर्शिता वाकई में चाहते हैं, अगर ये लगता है कि किसी पद पर रहते हुए कोई फायदा उठाकर अपनी संपत्ति में काफ़ी जो बढ़ोतरी करता है तो उसके लिए सभी के लिए एक ही फैसला लागू होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो सांसद हो, कोई भी हो। कमल अत्री रोहतक से एक दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर। कमल जी अपनी बातें रखिए। दरअसल बात यह है सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए, एम्प्लाइज की भी और अपनी जो इनकी सरकार में जो मौजूद होती है मंत्री मंडल वगैरह सब इनका हर साल इनकी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सबकी, और बहुत अच्छा प्रयास है लेकिन हर साल होना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर जो है क्लियर होनी चाहिए बातें, और ये जो फैसला लिया गया है इस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए जल्दी और सार्वजनिक करना चाहिए ये ब्यौरा, ये भी हम कहते नजर आते हैं। दीपक जुड़ चुके हैं पानीपत से एक दर्शक। दीपक जी अपनी राय रखिए। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि हमारे देश को IAS लोबी चलाती है, ये सत्य है, लेकिन ये इसको लूट कर भी खाती है, ये भी सत्य है। अभी हरियाणा में पीछे मनरेगा में 5 IAS का नाम आया था जी, और उसके ऊपर जो PP कपूर हैं RTI एक्टिविस्ट, उन्होंने इसका लोकायुक्त में मुकदमा भी डाला है। लेकिन ये सरकार अपने आप को ईमानदार कहती है लेकिन अभी तक किसी भी IAS के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और जबकि उनकी संपत्ति आज के समय में करोड़ों अरबों रुपए की है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक एक IAS जिसकी तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख के मध्य में होती है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कहाँ से आ जाती है? और मैं तो ये कहूंगा ये सारा मुख्यमंत्रियों की नाक के नीचे होता है, मंत्रियों की नाक के नीचे होता है, क्योंकि मिली भगत सब में नीचे से बंदरबाट ऊपर तक जाती है। एक आधा हो सकता है मंत्री ईमानदार हो, नहीं तो 100 के 100। बिल्कुल सवाल आपने सही उठाया है कि इतनी संपत्ति में इजाफा कैसे हो जाता है, वो भी कुछ ही समय में, और इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये फैसला किस तरह से लिया जाएगा, किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, ये भी देखना होगा। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। रोहताश है चीन से एक दर्शक फोन लाइन पर। रोहताश जी अपनी राय रखिए। इस सरकार ने भ्रष्टाचार बहुत मचा दिया जी। जी ये कहते कुछ है पाता कुछ है जी। नहीं, इस फैसले को लेकर आपकी राय क्या है, क्या आपको लगता है कि स्वागत योग्य है ये फैसला अगर IAS अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाए? जरूर मांगा जाए जी, अरे एक बंदे से मांगा जाए इनके से। ये सारे भ्रष्टाचार में सारे शामिल हैं जी। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आप कहते नजर आ रहे हैं कि सिस्टम में जो भी हो उसकी संपत्ति का ब्यौरा जरूर मांगा जाना चाहिए। अगर आप फैसला ही ले रहे हैं इतना बड़ा तो सबके ऊपर इसे लागू करें और उसके बाद आपको मालूम हो कि कितनी संपत्ति किसकी है और कितनी में कितनी वृद्धि हुई है, किसमें गड़बड़ी है, किसका सही है, सभी सार्वजनिक कीजिए। उसके बाद ही मालूम होगा कि वाकई में आप चाहते हैं कि पारदर्शिता है आपकी सरकार में। तो आज के मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी बात यही सामने निकल कर आई है कि जो जनता है वो चाहती है कि चाहे वो MLA हो, MP हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी, सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जरूर देना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या सरकार जनता की बात को मानकर ऐसा भी फैसला ले सकती है। फिलहाल देश की आवाज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।